सुरेश प्रधानाध्यापक कंपोजिंग विद्यालय डमरुआ विकास सिकारा जौनपुर। ये सारे हमारे टीम कंपोजिंग विद्यालय डमरुआ। सर, ये मेरा नाम यादव रीता, अपोजिट विद्यालय डमरुआ से। ये ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है जिसमें हम बच्चों को पानी का महत्व और उसकी ज़रूरत के बारे में बताते हैं और इससे बच्चे पानी का सदुपयोग करना सीखेंगे। एक बेल, ड्रिप इरीगेशन में बेल होता है, मोटर फिट करके एक टैंक होता है, यहाँ से पानी टैंक में जाता है। टैंक में से पानी जाने के बाद ये सारे पेड़ों में सिंचाई होती है, बूंद बूंद उसमें नालियाँ बिछाई गई होती हैं और पानी यहाँ तक जाने के बाद खेतों में जितनी ज़रूरत होती है उतना पानी उपयोग होने के बाद बाकी का जो बचा हुआ पानी है वो नीचे अंदर खेत में नालियाँ जो लगी होती हैं उनसे वापस रिटर्न होके और यहाँ बिल में वापस आ जाता है। ये पानी यहाँ से वापस आता है और इससे हम कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं और आने वाले भविष्य के लिए पानी को बचा के भी रख सकते हैं, जो कि हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये है सप्ताह के 7 दिनों के नाम, जिससे हम बच्चों को आने वाले और पीछे जो बीत गया है उन दोनों दिनों की जो अवधारणा है वो अच्छी तरह से समझा सकते हैं। माना आज संडे है तो बच्चा आराम से यहाँ से बता सकेगा कि स्टरडे जो था वो सैटरडे था और आने में टुमारो क्या होगा, मंडे होगा। अगर आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा और कल संडे था। इसके बाद ये है हमारा, हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं। छोटे बच्चों को ये चीज़ें समझाना थोड़ा सा मुश्किल होती है लेकिन बताना उनको भी ज़रूरी होता है। तो ये जब इस तरह से पुश करते हैं तो सक्शन टाइप का क्रिएट होता है, उससे जो है फिट। पपेट, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। फिंगर पपेट, जी फिंगर पपेट है ये। अब जैसे हमने इनको देख लिया, हमारी एक बिटिया है उसका नाम है नैना। ये नैना है, नैना बहुत परेशान थी, कोरोना आ गया था तो कोरोना आने की वजह से वो स्कूल नहीं आ पा रही थी। तो फिर उनको पता चला अरे आजकल तो क्या है, मोहल्ला क्लास शुरू हुआ है और मोहल्ला क्लास में अलग अलग जगहों पर पढ़ाया जाता है। फिर उनने भी मोहल्ला क्लास ज्वाइन कर लिया। नैना की यहाँ परेशानी ये थी, कहा जा सकता है भाई व्हाट्सअप, बट नैना के यहाँ बिजली भी नहीं है वो व्हाट्सअप से कैसे पढ़ेगी। तो नैना आज बहुत खुश है, अब भी सा कि ये मोहल्ला क्लास में पढ़ रही है। चलो सिंपल बातें कितने देर तक बातें। तो ये गो कोरोना सैनिटाइजर जी, ये हम बच्चों को बताते हैं कि स्वच्छता रखेंगे, हम हाथों को साफ करेंगे। अगर हमारे पास हर जगह पानी और साबुन नहीं अवेलेबल, पुश करिए नीचे सैनिटाइजर लगाइए और कोरोना भगाइए। जी मैडम, छोटे बच्चों को बड़े में ये वर्णमाला है सर। बच्चों को हम अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान इसके माध्यम से अच्छी तरह करा सकते हैं। सम विषम संख्या
सर मेरा नाम है मंजू यादव, कंपोजिट विद्यालय डबरुआ। मैं बच्चों को अंकों का खेल कृपया आप सब जो है अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अब सबसे पहले हम इस विद्यालय के सबसे पुरातन छात्र पूर्व प्रधानाध्यापक श्री गोकुल चौरसिया जी को आमंत्रित करते हैं, क्या आए और दो शब्द हम लोगों को। चार और तीन मिला ठीक है सर। मैं कंपोजिट विद्यालय से दृश्य कला है, बच्चों को आठवीं पढ़ने बाद सिलाई पढ़ाई बुलाई बात है। मैं बच्चों को कपड़े के बारे में कैसे सिलना है ये सब आत्मी सकते आठवीं बाद नहीं पढ़ने विद्यालय को मेला लगा गया, शिक्षक मेला लगा गया। हम देख रहे हैं हमारे बच्चों ने किया, हमारे अध्यापकों ने किया और उनका काम बहुत ही सराहनीय रहा। कल्पना नहीं की जा सकती थी कि हमारे अध्यापक इस मेले को सजाएंगे, इस पंगड़ को सजाएंगे।